नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेम नंबरिंग के बारे में कि फ्रेम कैसे नंबरिंग करते हैं। वैसे तो ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि फ्रेम नंबरिंग कैसे करते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो पहले ट्रांसवर्स व्यू की बात करते हैं। तो जैसा आपको पता है, ये कील प्लेट होती है। कील प्लेट के बाद पहला स्ट्रेक मीन्स प्लेट, उसको गार्बोर्ड स्ट्रेक बोलते हैं। तो कील के बाद से जो नंबरिंग होती है, ट्रांसवर्स व्यू की बात करें तो ए बी सी डी ई अल्फाबेटिकल वाइज इसकी नंबरिंग होती रहती है, ठीक है। और अगर हम लॉन्जिट्यूडनल व्यू की बात करें या प्रोफाइल साइड प्रोफाइल व्यू की बात करें, तो जो पहला फ्रेम फ्रॉम आफ्ट रहता है, वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके करके फॉरवर्ड में चला जाता है। तो अगर आपको किसी भी फ्रेम का नंबर आप शिप पे देखते हैं, तो वो ए बी सी और 1 2 3 के अकॉर्डिंग में दिया रहता है कि कील की से कितने पास में है या कितना दूर में है, और आफ्ट से कितना दूर या पास में है। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए मुझे ये वाली 6 नंबर फ्रेमिंग का नंबरिंग करना है। मान लीजिए मेरी प्लेट जो है समथिंग, मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, और इसका अगर मैं नीचे से नंबरिंग करूं तो डी ई एफ जी एंड सो ऑन वाली एच, ठीक है। तो मान लीजिए ये जी पे है, तो इस प्लेट का अगर नंबरिंग पूछेंगे या बताएंगे किसी को, तो इसका होगा 6G, ठीक है। ऐसे हम लोग फ्रेम नंबरिंग करते हैं। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोग को। तो जो भी आपको डाउट्स होगा, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।